नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची गहन मनन और मंथन के बाद जारी कर दी है। नागौर कांग्रेस में टिकट को लेकर काफ़ी विरोध देखा जा रहा था और स्थानीय नेता ज्योति मिर्धा को टिकट देने पर विरोध भी 10 जनपद और 15 GRG पर जता चुके थे, मगर बावजूद इसके आखिरकार हरियाणा के रोहतक के सांसद और हुड्डा परिवार द्वारा पैरवी करने के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा पर भरोसा जताते हुए नागौर का टिकट दे दिया गया है। ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट मिलने के बाद अब उन अटकलों पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है जो बीते दिन कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल के बीच जो नज़दीकियाँ देखी जा रही थी और कांग्रेस और हनुमान की पार्टी के बीच गठबंधन की बात कही जा रही थी, इसको लेकर बेनीवाल अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस के दिल्ली नेताओं से भी संपर्क में थे और नागौर से बेनीवाल भी ज्योति मिर्धा का टिकट काटकर RLP का उम्मीदवार उतारना चाहते थे। ऐसे संकेत भी उन्हें कुछ रोज़ पहले ही दिए थे, मगर कांग्रेस में चल रहा अंतकले भले ही खत्म नहीं हुआ हो, मगर आलाकमान ने ज्योति मिर्धा के टिकट पर फाइनल मोहर लगा दी है। वहीं ज्योति मिर्धा के टिकट फाइनल होने के साथ ही समर्थकों में जोश देखा जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल या तो खुद ज्योति मिर्धा के सामने चुनाव लड़ेंगे या फिर इन दिनों मिर्धा के चाचा रेजपाल मिर्धा और बेनीवाल की नज़दीकियों को देखते हुए ज्योति मिर्धा को काउंटर करने के लिए RLP रेजपाल को चुनाव लड़वा सकती हैं। वहीं विरोध कर रहे थे कांग्रेस की भी ज्योति मिर्धा से भीतरघात की संभावना है। इस पर कांग्रेस के नागौर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन का कहना है कि टिकट दावेदार अनेक हैं और अनेक होते हैं, ज्योति मिर्धा का कोई विरोध नहीं किया, सब अपनी अपनी टिकट मांग रहे थे और आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा और प्रदेश की 25 सीटें में सबसे ज़्यादा मतों से जीतकर ज्योति मिर्धा आएगी। आलाकमान का फैसला सबको मान्य है और ज्योति मिर्धा का कोई विरोध नहीं होगा। देखना अब ये भी दिलचस्प होगा कि भाजपा किसको ज्योति मिर्धा के सामने मैदान में उतारती है, उसके बाद ही नागौर की सियासत का तय हो पाएगा कि सियासत की करवट बैठती हैं।